आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बोहरा बाखल की मस्जिद धार्मिक स्थल के आसपास दो पहिया वाहनों की अवैध पार्किंग को लेकर दाऊदी बोहरा समाज के कुछ लोग, जिसमें मुख्य रूप से यूसुफ भाई पान बिहार वाला, इकबाल चप्पू, खोजेमा भाई बादशाह वाला, पश्चिम ट्रैफिक डीएसपी कनावा से मिले और अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। वहीं ट्रैफिक डीएसपी ने तुरंत कार्यवाही करते हुए वहां के इंचार्ज को फोन किया और कार्यवाही करने का आदेश दिया। ये क्या है कि आम रोड पर पार्किंग होती है, जो हमारी मेन मस्जिद है, उस मस्जिद की दीवार से कम से कम 150-200 गाड़ी क्यों पार्क होती है? ऑल ओवर पूरे बोरा बाखल में 400-500 गाड़ियां पार्क हो रही है। दूसरी बात ये क्वेश्चन ये सर, आज की तारीख के अंदर से अगर हमारे घर में कोई इमरजेंसी केस मेडिकल का आ जाए समझ ले, तो हमें कोई आने के लिए तैयार नहीं है, बोले बोरा बाखल में नहीं आएंगे। नमाज के टाइम जब जीरो टाइम आते हैं, तो ये प्राचीन मस्जिद होने के कारण इसे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बाहर के लोग भी जो आ रहे हैं नमाज पढ़ने, आए दिन गाड़ी रखने का विवाद हो रहा है। परसों इतनी झगड़े हुए वहाँ जो है, अच्छा पीछे कुछ धान गली के लड़के हैं वो इतने हैं तो वो बिल्कुल मौके पड़ते हैं, आपू चाकू ये वो अंडे ढंडे सब निकाल जाते हैं, तो लाइन ऑर्डर की भी स्थिति इतनी बहुत बच्ची है। हमारा निवेदन है कि सब कम से कम इस इलाके को इन चीज़ों से, क्योंकि एक रेजिडेंशियल इलाका है सब। बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल कराएंगे, आपको बिल्कुल हम राहत देंगे। बस यही अपेक्षा से आया था, थोड़ा बहुत 1 महीने बाद रमजान चालू होगा। अरे उससे हमारा तो काम ही है लोगों की सेवा करना यार भाई। नहीं वो हम बहुत जिनाई मान के लिए आए सर, मतलब एकदम 100% जिनाई, हमारा सर अभी किस साइड में है आपका? इधर सर बोरा बाखल उसी क्षेत्र में आती है सर, तो बोरा बाखल से कुछ लोग थे अच्छे, जो बाबर मस्जिद है सर, तो मस्जिद के सामने तो उन पार गाड़ी ज़्यादा खड़ी हो जाती है, क्योंकि कुछ समस्या थी तो मैं इसको अभी ज़्यादा लेने आया था, तो मैंने ये ले लिया, तो मैं आपको पूरा डिटेल और बता दूँगा सर। ये संबंधित दीद वाला उसको लगा देते हैं, खेल को भैया देते हैं, तो समस्या उसकी खत्म हो जाएगी। आपकी कॉलेज को लगा पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।